नवरात्रि के अंतिम दिन जहां जगह जगह धार्मिक आयोजन किए गए, वहीं लाल कुआं स्थित कुमाऊं के प्रसिद्ध मां लक्ष्मी मंदिर में विगत 9 दिनों से चल रहे भागवत कथा का आज रामनवमी के दिन समापन किया गया। साथ ही नवरात्रि के पावन अवसर पर मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए मंदिर प्रांगण में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। साथ ही कोरोना महामारी को लेकर मंदिर के मुख्य द्वार पर सभी भक्तों का सैनिटाइजर करते हुए मास्क का प्रयोग करने की मंदिर कमेटी ने अपील की है। इस दौरान मां मंडलेश्वर सोमेश्वर यति जी महाराज ने बताया कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए सीमित संसाधनों से ही इस बार नवरात्र के पावन अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही सभी भक्तों से मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आग्रह किया जा रहा है। वहीं इस अवसर पर मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष एवं मंदिर के लिए भूमिदाता वीरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि मंदिर आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है और यहाँ श्री गुरु जी के चरणों से ही यह कार्य संभव हो पा रहा है। गुरु महाराज जी की कृपा से सब हुआ है, जो प्रेरणा हमको मिली उन्हीं का आशीर्वाद है कि जो हमारी बुद्धि ऐसी हुई कि जो हमने उन सकाई है जमीन पर आप मंदिर बना लीजिए। और इसमें बनाने में उनकी कृपा से कोई कहीं पर भी किसी प्रकार की भी कोई ना कमी दिक्कत पैसे की हुई, ना किसी काम की दिक्कत हुई और ना किसी लिवर की परेशानी हुई। और इतनी कम समय में ये मंदिर का निर्माण हो गया, ये सब गुरु की कृपा है। गुरु की आगे लिए तो हमारे दुर्गा सप्तशती में साथ लिखा है कि महामारी में जो है दुर्गा सप्तशती साथ देती है, इसी से जो है इस संकट का समाधान हो सकता है। आदमी जनता जो है वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करे और दुर्गा सप्तशती को स्मरण करे और माता भगवती के दर्शन करे, उसी से उसका निवारण हो सकता है। और इसमें कोई दूसरी कोई चीज नहीं इस महामारी को दूर किया जा सके, क्योंकि हमारी इसकी महामारी के लिए जो है दुर्गा सप्तशती जो है इसी का इसका निवारण हो सकता है। रामनवमी की समस्त क्षेत्रवासियों को देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज रामनवमी का पावन पर्व है, चैत्र के महीने में नवमी तिथि को भगवान श्री राम का अवतरण दिवस मनाया जाता है। भय प्रकट कृपाल दीनदयाल कौशल्या हितकारी, ये हमारे देश के लिए, ये हमारे समाज के लिए यह बहुत ही शुभ दिन आज मनाया जाता है, क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका अवतार मर्यादाओं के लिए होता है। उनके जो बाल चरित्र हैं, युवा चरित्र हैं, वह हमें प्रेरणा देते हैं कैसे हमें अपने माता पिता और गुरुओं का स्नेह प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि जब भगवान बाल्यकाल में थे तो अपने माता पिता और गुरु को प्रातः उठ करके ही प्रणाम करते थे, उनके चरित्रों से हमें शिक्षाएं मिलती हैं। उन्होंने सबरी उद्धार किया, सती अनुसुईया, अति ऋषि के आश्रम आदि गए, और जो हमारे यहाँ दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं रावण जैसे, उनका संहार किया। इसी तरह हम आज यह संदेश देना चाहते हैं इसे वैश्विक महामारी। R9 भारत के लिए उमेश सिंह राणा की रिपोर्ट।